ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बैचलर है, जो अपने पढ़ाई जो है किसी रूम रेंट ले करके कर रहे हैं, जिन्हें अपने किचन में कुछ काम करने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही काम की होगी। तो प्याज को कैसे, जैसे कि होता ना कि प्याज हम कैसे पीछे, मेरे पास कोई सिल पट्टा नहीं है तो मैं कैसे प्याज को काटूँ, मैं दो तीन टिप्स ऐसा बताऊंगी जो बैचलर लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। जैसे कि प्याज है, तो प्याज हम सोचते हैं कि इसे पेस्ट कैसे बनाएं, तो हमारे पास पेस्ट बनाने की कोई सुविधा नहीं होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो प्याज को हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने छील लिया है तो इसको हम कैसे पेस्ट बनाएंगे, तो हम ये चॉपर ले लेंगे और चॉपर से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी आप कभी कोई सब्जी बना रही हैं, कुछ बना रही हैं तो आपके पास नहीं है, तो इस तरह से प्याज को इसे चॉप कर सकती हैं, इसे काट सकते हैं, इसे ग्रेट कर सकती हैं। तो देखिए बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी इसे चॉप करने में, सॉरी ग्रेट करने में। तो देखिए इस तरह से आप अपना जैसे कि मसाला पीस सकती हैं, तो इतना ही पीसने के बाद भी इस तरह से आप करके आप अपना सब्जी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। मैं दूसरा ट्रिप आपको बताना चाहूँगी, दूसरा टिप्स मैं बताना चाहूँगी कि ये लहसुन है, लहसुन को कैसे पीसे, कैसे ग्रेट करें। तो इसे हम क्या करेंगे, इस पर डाल लेंगे और उसे भी इस तरह से कर लेंगे। ये लहसुन को पहले आप छील सकती हैं, छील के भी कट कर सकते हैं, या फिर इसके छिलके तो बाद में भी उतर जाएगी जब लहसुन ग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि बैचलर लोगों के लिए ज़्यादा लहसुन या अदरक या फिर प्याज ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वन पीस वो खुद होते हैं तो थोड़ी चीज़ों ही बनानी पड़ती है, थोड़े से सब्ज़ी बनाते हैं तो कम मसाले में भी बना लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने जो किचन में है इस तरह से हेल्प से अपने सब्ज़ी या कोई भी डिश या रेसिपी बना सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरह से लहसुन का भी पेस्ट बन गया। लहसुन हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो फिर इसे हम थोड़ा और ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, इस तरह से क्या हो गया, हमारे सब्जी बनकर रेडी हो गए, छिलके को आप हटा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगला टिप्स मैं बताना चाहूँगी कि आटा गूंदने में भी बैचलर लोगों को बहुत परेशानी होती है, वो आटा गूंदना नहीं चाहते, रोटी बनाना नहीं चाहते हैं, तो जब वो आटा गूंदेंगे नहीं तो रोटी कैसे बनाए। तो आटे गूंदने में उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होती है, जैसे कि लड़का है हम कैसे आटा गूंदें, हमको अच्छा नहीं लगता है, या फिर हमको हमें सामने आटा गूंदने नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्व बहुत ही अच्छी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक मिक्सी का जार लेना है और उसमें आटे को डाल देना है। डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दो से तीन बार में हम इसे गूंदेंगे, तो इसे थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसके ढक्कन लगा करके इसे दो तीन बार घुमा लेंगे पहले। तो तीन बार चलाने के बाद देखिए कि इस तरह से आया है। तो इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे, इसे इसकी जगह देखिए थोड़ा और हम पानी ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा और ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही इसे ऐड कर करके इसे हम गूंदेंगे। तो इसे फिर एक दो बार और चलाएँगे। तो इस तरह देखिए दो तीन बार चलाने के बाद मेरा आटा बिल्कुल गूंद चुका है। तो इसमें हम अच्छी तरह से करके सारे आटे को हम समेट लेंगे, समेट करके किसी प्लेट में डाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं, या फिर कोई बैचलर लोग के लिए ही है, जिन्हें घर पे भी आटा गूंदने का बहुत ही परेशानी महसूस होती है, वो भी ये ठीक आजमा सकती हैं, खास करके ये बैचलर लोगों के लिए है। तो देखिए मेरा आटा गूंद गया, अब इसे थोड़ा सा हल्का सा इसे मिला ले, बस मेरा आटा परफेक्ट तरीके से गूंदा गया। देखिए और बिल्कुल भी रोटी बनाने के लिए तैयार है। तो है ना ये बहुत ही काम की चीज़ कि आप ये तीनों ट्रिक बहुत ही काम की चीज़ है,
खास करके बैचलर लोग के लिए, तो आजमा करके ज़रूर अपनी लाइफ को आसान बनाइएगा। और जहाँ कहीं भी आप रहते हो तो वहाँ रह करके अपनी किचन की हर काम को आसान बना करके अपनी लाइफ को भी आसान बनाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी भी कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।